अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ दाल शेयर करने लगी हूँ। और ये मैंने पीली मूंग की दाल ली और लाल मसूर की और थोड़ी सी मैंने माश की दाल इसमें डाली और एक चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, एक भरा टमाटर, एक भरा प्याज, आधा चम्मच मैंने लिया है सूखे धनिया का पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और ये अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच भर के मैंने ये वाला ले लिया। और अभी आपको दिखाते हैं, ये घी हमारा गर्म हो गया और अब इसमें प्याज ऐड करूँगी। प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करूंगी। प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया और अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये टमाटर भी ऐड करेंगे साथ। ये मसाले इसमें ऐड करेंगे, हल्दी, सूखा धनिया का पाउडर, नमक मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे जरा, फिर इसमें दाल ऐड करेंगे। मसाला हमारा भून चुका थोड़ा सा, अब इसमें हम दाल ऐड कर लेंगे। दाल ऐड कर दी, दो तीन मिनट के जरा भून लेंगे, फिर इसमें पानी हम ऐड करेंगे। ये दाल थोड़ी सी हमने भून ली है और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। ये और पानी हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा। और हल्की आंच पे रख लेंगे। ये देखिए गाइस, दाल हमारी तैयार होगी और अब ऊपर से हम इसको तड़का लगाएंगे। ये घी मैंने डाल दिया फ्राई पैन में और ये दो मैंने थोम के जवे ले लिए थे और इसका हम अब तड़का तैयार करेंगे दाल को लगाने के लिए ऊपर से ना। ये ब्राउन हो गया है लहसुन और इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालने लगी हूँ। जीरा डाल दिया, दो तीन हरी मिर्च डालनी, दो हरी मिर्च डालनी। तड़का हमारा तैयार हो गया, अब इसके ऊपर हम बघार लगाएंगे। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। और ये है गाइस मेरी डिश की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगी और आप जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू। और ये आप चावलों के साथ खाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। चावलों के साथ ज़रूर इंजॉय करेंगे।